बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 7। और इस सीरीज में हम कर रहे हैं बच्चों इंटीजर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें इवेलुएट करना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए करना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर बच्चों देखिए मैंने मैं इस पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर मैंने लिखा है इवेलुएट, और सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करना शुरू करते हैं। लिखा -30 और डिवाइड करना है इसको 10 से। ठीक है बच्चों, आइए करना शुरू करते हैं। देखिए इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यदि डिवाइड करते वक्त आपको माइनस का साइन देखना है। यदि माइनस का साइन 1 टाइम्स आए तो आंसर उसका आएगा माइनस में। अगर 2 टाइम्स आए माइनस का साइन, जैसे यहाँ पर माइनस का साइन आया हुआ इधर तो नहीं है, तो ये 1 टाइम्स माना जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। और 2 टाइम्स का मतलब अगर 10 पे भी माइनस का साइन होता तो फिर आंसर प्लस में आता। आइए देखो करते हैं। तो 10 की टेबल आपको काउंट करनी है और देखना है 30 कितने पर आता। जी हाँ, यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको इस तरीके से यहाँ पर, और 10 की टेबल हमने काउंट की तो आता है 3 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं -30 लिखिए, डिवाइड का साइन लगाएं, और यहाँ पर 10 है, 10 के नीचे आप 1 ले ले डिनोमीटर की फॉर्म में। इधर भी आप 1 चाहे तो इधर भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो -30/1, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं 0 से 0, और -3 है, 3 1 जा 3, तो -3 इसका आंसर आ गया। आप चाहे तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो ये मेथड अप्लाई कीजिए या ये वाला कीजिए। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में लिखा है 50 डिवाइड, और यहाँ पर लिखा -5। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी देखिए माइनस का साइन 1 टाइम से, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। आइए लिख लेते हैं इस तरीके से। तो 5 की टेबल काउंट करनी है, 50 आना चाहिए, 10 पे आता तो 5 10 जाए 50 होता तो 10 आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन 1 टाइम से, इसलिए माइनस का आ गया। ठीक है, दूसरी तरीके से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, 50 ठीक है डिवाइड और -5, आप यहाँ पर 1 ले लीजिए डिनोमीटर की फॉर्म में, इधर भी 1 ले लीजिए, तो 50/1 और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना, और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देना, तो माइनस का साइन हमेशा ऊपर ही रखना, तो इस तरीके से। तो 5 1 जा 5 5 10 जा 50, तो 10 1 जा 10, और माइनस प्लस माइनस, इसलिए। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। आइए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है बच्चों यहाँ पर -36, ये ब्रैकेट में रख लेता हूँ मैं, डिवाइड और -9। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन 2 टाइम्स आया है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, -36 ठीक है डिवाइड और -9, इस तरीके से। तो देखिए माइनस माइनस हो जाते प्लस, तो 9 की टेबल काउंट करें, 9 4 जा होता है 36, तो आंसर आ गया 4। ठीक है बच्चों, आइए हम फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं इस तरीके से। तो आप चाहे तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए -49/49। ठीक है बच्चों, इसको भी करना करते हैं, बिल्कुल इजी है। अब माइनस का साइन 1 टाइम्स है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस में आएगा। तो 49 को टेबल अगर काउंट करें तो 49 टेबल 1 पे चली, 49 1 जा 49, तो -1 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आइए अगला पार्ट कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पर 13 डिवाइड, और ये बिग ब्रैकेट है, और यहाँ पर लिखा है -2, और इधर का साइन है +1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये देखिए। अब पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना होगा, आइए करना शुरू करते हैं। 13 डिवाइड, और यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो -2 और +1, माइनस प्लस माइनस,
तो यहाँ पर आ गया बच्चों माइनस वन, ठीक है, टू में से वन माइनस करेंगे वन, और बड़े नंबर के सामने माइनस, इसलिए माइनस का। फिर वही आप देखिए, माइनस साइन वन टाइम्स है तो इसका आंसर माइनस में आएगा, और 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 की टेबल 13 पर ही जाएगी, तो माइनस 13 ये आंसर आ गया। आइए अगला पार्ट कर लेते हैं, यहाँ पर पार्ट नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर 0 को डिवाइड करना है माइनस 12 से। अब बच्चों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 0 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करे, या जीरो को डिवाइड करे या जीरो को मल्टीप्लाई किया जाए, तो आंसर क्या आता है, जीरो ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आप जीरो लिख दीजिए इस तरीके से। आइए अगला पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 7। अब 7 पार्ट में लिखा माइनस 31 और यहाँ पर डिवाइड का साइन, और फिर बिग ब्रैकेट है और यहाँ पर माइनस 30, ठीक है बच्चों, और प्लस यहाँ पर माइनस वन और फिर बिग ब्रैकेट, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उससे पहले जो नंबर लिखा है उसको यू का लिखते हुए चले, यहाँ पर आइए माइनस 30 और माइनस प्लस माइनस वन, ठीक है, आगे नीचे लिख लेते हैं माइनस 31 और डिवाइड, यहाँ पर माइनस 30 और माइनस वन दोनों के सामने सेम साइन है तो इनको टूगेदर कर देते हैं माइनस 31 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो आंसर प्लस में आएगा। अब 31 वन जा 31 तो 1 पे ये जाएगा, तो 1 इसका आंसर आ गया। आइए आगे पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 8। यहाँ पर ठीक है बच्चों, मैं लिख लेता हूँ, बिग ब्रैकेट है और माइनस 36 डिवाइड 12, ठीक है, फिर ये बिग ब्रैकेट बंद है और बाद में दिया हुआ है डिवाइड 3 इस तरीके से। तो आइए इसको करना शुरू करते, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है यहाँ पर, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं माइनस 36 और ये है डिवाइड, ठीक है बच्चों, यहाँ पर और 12 इस तरीके से। मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, आप देखिए, आप 12 यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर वन टाइम साइन है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। अब 12 की टेबल काउंट करने, 12 थ्री जा कितने होते हैं 36, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे और डिवाइड और यहाँ पर 3। अब देखिए, अब 3 को 3 से डिवाइड करना, फिर माइनस का साइन वन टाइम्स है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 3 को 3 वन जा 3, ठीक है बच्चों, 3 की टेबल काउंट करें तो 1 पे जाती है, तो माइनस 1 ये आंसर आ गया। आइए अगला पार्ट कर लेते हैं हम इसमें, 9 पार्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखा है माइनस 6 प्लस 5, ठीक है बच्चों, यहाँ पर, और इस तरीके से हम बिग ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं और डिवाइड, फिर बिग ब्रैकेट है यहाँ पर माइनस 2 और प्लस 1 इस तरीके से, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, इसको करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर माइनस 6 और प्लस 5 हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, डिवाइड का साइन और इसे भी माइनस 2 और इधर प्लस 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस होते हैं तो क्या आएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, और बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन, इसलिए माइनस का लगाएंगे साइन, और डिवाइड यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, और बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन, इसलिए माइनस का आएगा। अब देखिए माइनस का साइन 2 टाइम्स आ गया तो इसका आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, और 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 आंसर आता है, 1 1 जा 1, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।